दोस्तों हमने करकेडुमा की फीडिंग शुरू कर दी है। ये है फिफ्थ डे ऑफ फीडिंग इन करकेडुमा। एक ये है और एक ये है करकेडुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे। दोनों ने खाना खा लिया, हम आगे चल रहे हैं। खाली जगह है, कूड़ा वूडा पड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुल्फ है, इसकी आंखें चमक रही हैं, आपको दिख रही होंगी। और ये प्यारे प्यारे डॉग्स हैं यहाँ पे। उधर के डॉग्स को भी हमने खाना खिला दिया है। वहाँ पे हमने 10-12 डॉग्स खिलाए हैं। कितने खिलाए हैं जी? 12 डॉग्स वहाँ पे खिलाए हैं। 6-7 डॉग्स यहाँ पे हैं, इन्हें हमने खिला दिया है। अब हम जा रहे हैं CBD ग्राउंड। दोस्तों यहाँ पे एक पपी है, 4 बड़े हैं, इन्होंने खा लिया है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हैं, 5 हमने उधर खिलाए हैं, 5 उसके पीछे खिलाए हैं। ये सी, ये देखो, ये क्रॉस रिवर मॉल की बैक साइड, मतलब पीछे वाली एंट्रेंस है। एंड यहाँ बच्चे इतने भूखे हैं, हमने बाल्टी छोड़ दी है, भाई जितना खा सकते हो आप उतना खा लो, क्योंकि ये बच्चे अंदर से, ये DDA लैंड है, यहाँ से अंदर से निकल के आ रहे हैं। देखो हमारा भेड़िया, ये बच्चे हमारे यहाँ पे, आज 2-3 बच्चे कम है, पता नहीं कहाँ से बारिश आई थी ना, इस वजह से कहीं चले गए होंगे, पर यहाँ नहीं दिख रहे, इन सब ने खा लिया है। जो ये दीवार दिख रही है आपको सामने, वहाँ पे एक कसोरा रख दिया है, यानी कि पांडा रख दिया है, पंजाबी में कहते हैं। उसमें आप पानी डाल सकते हो यहाँ पे, या खाना डाल लो अगर आप इधर आते हो तो, क्योंकि ये अंदर घुसा हुआ था आधा और बेहोश सा पड़ा हुआ था। जैसे ही देखा तो ये नींद में भाई साहब सो रहे थे, ऐसे खाना नहीं खा रहे हैं, खाना रखा है इनके पास तो गुर्रा रहे हैं। दोस्तों ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से 9 कुत्ते और हमें आज मिले हैं। कल मैंने दिखाया था आपको ग्रीन पार्क्स एंड लेक करके एक जगह थी, उसी से बस हम 10 बेटा मुझे बोलने दो, हाँ उसी से हम बस 10 कदम आगे चले हैं। और यहाँ पे ऐसा माहौल है कि ये बच्चे लड़ रहे हैं आपस में ही, सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूखे हैं। बस अब हम यहाँ पे आते हैं बच्चों के पास, हमारा खाना हमेशा कम पड़ जाता है, हमें पानी मिलाना पड़ता है। अब एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे पास खाना है इनके लिए, पेट भर के इन्होंने खा लिया। देखो वो खा रहा है पीछे, हमने बर्तन रख दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज ये जो IP एक्सटेंशन की तरफ फ्लाईओवर जाता है, उसके नीचे का रास्ता है। यहाँ पे डॉग्स नहीं खा पा रहे थे। हनी पाजी ने बताया था कि यहाँ पे डॉग्स कोई खाना नहीं डालता है, तो आज वो देवेंद्र जी के साथ गए थे और खाना वाना बनाना मनाया उन्होंने देवेंद्र जी के साथ। अब वो यहाँ पे फीडिंग कराने आए हैं। हम लोग करकेडुमा की फीडिंग ख़त्म करके बस यहीं आए थे, तो हमारे पास खाना बच रहा था आज, तो फिर हमने उनके साथ ज्वाइन करके यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खिला दिया अपने वाला, और अभी थोड़ा बहुत खाना और बचा हुआ है, तो वो हम रास्ते में जाते हुए जो हमें रोड पे बच्चा दिखेगा उसको खिला देंगे। हनी पाजी आ रहे हैं और ये बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। भूखे भूखे बच्चे हैं यहाँ पे। ये इस तरफ है, आप समझ जाओगे अगर आपने एरिया देखा हुआ है, कड़कड़ी मोड़ है ये। हेलो, ये मधु विहार का चौक है। हमने भी वहाँ सामने एक डॉग को रखा है खाना बड़े बर्तन में। वहाँ पे 2-3 और आ गए हैं कहीं से आगे पीछे से ही। एक आप देखिए, एक बोरा सामने उधर डॉग, और एक हमने खाना इधर रखा हुआ है जो किसी ने भी खाया नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डॉग्स हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे रोज़ फीडिंग कराएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा एरिया है और हमें बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। अब इसको देखो, ये दोनों इधर आ रहे हैं खाने के लिए। प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि अगर कोई फीडर इस एरिया में रहता हो तो वो यहाँ पे आके खिलाते तो ये बच्चे आराम से खा सकते हैं। ये भाई है हमारे, हनी भाई, अकेले खिलाते हैं। हम अब हमसे जुड़े हैं तो हम भी इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ना कोई
आए और फीडर और इनकी हेल्प करें। ये बच्चे इधर हैं, ये आपका, अब ये बच्चे जानते भी हैं। मधुबन मधुविहार चौक है ये, और ये बच्चे अभी हमें ढंग से जानते नहीं हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये भी यहाँ पे देखो, कम से कम 8 बच्चे हैं, 4 इधर हैं और बाकी देखो इधर हैं।